राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्रीसाइड न्यूज आ रहे थे। पेड़ों को लगाने से ज्यादा पेड़ों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ट्री गार्ड्स लगेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पौधारोपण के दौरान पौध तो लगा दी जाती है मगर बाद में उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रीसाइड न्यूज। न्यूज ब्यूरो से मैं प्रियंका। आज ओपन फाउंडेशन लखनऊ के युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और DFO रवि कुमार सिंह के साथ वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण का आयोजन किया, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पौधा लगाकर की। साथ ही उन्होंने फाउंडेशन के युवा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर भविष्य में भी धरती की सुंदरता और सुरक्षा के लिए ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पौधों को रोपित किया गया। स्वपन फाउंडेशन के फाउंडर ने बताया कि वृक्षों की रक्षा के लिए भी ट्री गार्ड और इनकी देखभाल सही तरीके से की जाएगी। तो मैं सर से का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सर हमारे बीच आए हैं, यहाँ पे हम लोग को मोटिवेट करेंगे। और जो लोग करते थे, कुआं बनवाते थे, नल लगवाते थे, वृक्षारोपण करते थे, पीपल है, बरगद है, क्योंकि पहले साइकिल ही उनकी यात्रा थी, ज्यादा से ज्यादा घोड़ा यात्रा था, लोग घोड़े से चलते, जो बड़े आदमी रहते थे घोड़े से या साइकिल से 50-60 बीघा के बीच में एक पेड़ लोग लगाते थे, चिड़िया बैठे। हम NGO के फाउंडर के साथ हैं, जो कि यहाँ पर पौधारोपण हो रहा था। यहाँ पर DFO और स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे, उन्होंने भी पौधारोपण किया है। इनसे बात करेंगे कि इनके NGO के लिए क्या खास बातें हैं। आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा था यहाँ गोमती रिवर फ्रंट पे। हम लोग की भूमित्र इनिशिएटिव के अंडर, हम लोग स्वप्न फाउंडेशन की भूमित्र इनिशिएटिव के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग सारे युवा लखनऊ के अलग अलग एरियाज में, लखनऊ के कोकरेल वन हो गया, या फिर आपका सरोजनी नगर की साइड हो गई, या फिर गोमती रिवर फ्रंट हो गया, अलग अलग जगहों पर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जितने ज़्यादा पौधे इस वन महोत्सव में लगा पाएं उतने ज़्यादा लगाएं। आज जो है हमारे बीच माननीय स्वतंत्र सिंह जी और माननीय DFO सर अवध मौजूद थे। उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया है, लगातार हम लोग की मदद कर रहे हैं वृक्षारोपण करने में। और हम LDA का भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने भी हमें वृक्ष प्रदान करे गए और जगह प्रदान करी गई जिसमें हम वृक्षारोपण कर पाएं। और LDA से भी हमारे साथ इमरान जी मौजूद थे। जो पौधे आज लगाए गए हैं, तकरीबन कितने पौधे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आप कैसे कार्य करेंगे आगे? आज यहाँ पे हम लोगों ने 100 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं और हम लोग यहाँ पे अभी अलग अलग ट्री गार्ड यहाँ पे लगेंगे और लगातार हम लोग पानी इसकी हम लोग हर हफ्ते चेक करने आएंगे यहाँ पे कि क्या इनको पानी दिया जा रहा है रेगुलर, कि सिर्फ पौधे लगे ना रह जाएं बल्कि बढ़ें और एक अच्छा सुंदर प्रकृति हमें प्रदान कर सके। जी। और आगे आपके क्या प्रोग्राम्स हैं NGO से, जो आप आगे करते हैं, आगे कुछ शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स हैं आपके? जी, अभी हमारा 21 जुलाई को और 31 जुलाई को भी एक पौधारोपण का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग अलग अलग युवाओं को, अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से युवाओं को आमंत्रित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आ पाएं और इस वन महोत्सव जुलाई के महीने में ज्यादा से ज्यादा पौधे लग पाएं और हमारा लखनऊ आगे चल के एक आइडल बने लोग अलग और शहरों के लिए। धन्यवाद आपका कंटेंट साइट से बात करने के लिए। आपने देखा कि अभी NGO के फाउंडर थे जो बता रहे थे पेड़ों को लगाने से ज्यादा पेड़ों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, ट्री गार्ड्स लगेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पौधारोपण के दौरान पौध तो लगा दी जाती है मगर बाद में उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। आप देखते रहिए कंटेंट साइट न्यूज लखनऊ से। सौरभ निगम, अब कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अवेयरनेस फैला रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर रहे हैं, दैट मैटर, बिकॉज अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हम दूसरों को समझा रहे हैं कि... क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब युवा हैं और युवा का उल्टा अर्थ होता है वायु। एक सेंटेंस मैंने सुना था, ये धरती पे आया है तो उस धरती के बारे में सोचे, बस मेरे को इतना ही कहना। थैंक यू सो मच सर। इसको देख के हम लोगों को लगता है कि ये कर रहा है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ये लड़का स्टार्टिंग से है, जब सोचिए फंस जाएगा, फंसा नहीं।